5G मोबाइल, 5G नेटवर्क प्रॉब्लम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आपका मोबाइल 5G होने के बावजूद आपके मोबाइल में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है। जैसे कि जियो, VIS, जो भी सिम हो, जैसे कि एयरटेल भी हो तो भी चलेगा। तो यही सेटिंग करनी है, उसके लिए कुछ भी दूसरी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलते गए हमारे वीडियो पे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ से आपको इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है, और यहाँ आपको एक काम करना है कि सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हो मिल जाएगा, तो यहाँ सेटिंग ढूंढ लेना है। उसके बाद यहाँ 2 से 3 सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया, वो चेक कर लेना है, और अपडेट आ जाए तो उसे अपडेट कर लेना है। उसका अपडेट होने के बाद यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ एंड कॉन्टैक्ट एंड सर्विस। तो यहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो उससे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ दिखा हुआ है कि मोबाइल डाटा एंड डाटा यूसेज और रनिंग एंड मोर सेटिंग का। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम का। तो इस तरह से आपका सेटिंग होगा, जैसे कि यहाँ सिम, तो यहाँ आपको इस जगह की जगह ऑप्शन भी दे जा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ से क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, तो जस्ट उस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस तरह सा रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो उस पर आपको जस्ट क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ है कि रिसेट एक्सेस पॉइंट, तो आपको रिसेट पॉइंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप फिर से रिसेट पॉइंट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमारा नेटवर्क अभी रिस्टार्ट हो चुका है। उसके बाद इस तरह से आपको बैक ले लेना है, और यहाँ एक दूसरा सेटिंग देखने को मिलेगा परफेक्ट नेटवर्क टाइप का, तो जस्ट उस पर क्लिक कर लेना है, और 5G नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसे ऑन कर लेना है इस तरह से। और तो भी ना आए तो यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एरोप्लेन मोड का, तो यहाँ 2 से 3 बार इसे ऑन ऑफ करके देख लेना है। उसके बाद आपको तीसरा सेटिंग करना है कि फ़ोन को रिबाउट एक बार करके देख लेना है, तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी गाइस। तो यही था हमारा वीडियो, और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।